गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की इस वर्चुअल कक्षा में हमारे स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों, एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के छात्रों का और हमारे सम्मानीय साथियों का हार्दिक स्वागत। जैसा कि विदित है कि आज हम लोग आपस में चर्चा करेंगे एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के संगठनात्मक व्यवहार ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट की। हमको मालूम है कि जहां एक और स्नातक स्तर पर अर्थात बीकॉम बीए बीएससी में यूनिफाइड पाठ्यक्रम, यूनिफाइड सिलेबस मध्य शासन द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में और सुशासी महाविद्यालयों में संचालित है, वहीं दूसरी ओर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में थोड़ा अंतर होता है। विभिन्न यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करके और उन सिलेबस को लागू करती हैं जो उनके अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हो सकती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो ये पेपर है वो लगभग मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में का अध्ययन कराया जाता है, वाणिज्य की स्नातकोत्तर कक्षाओं एमकॉम की क्लासेज में और पर्टिकुलर सेकंड सेम में। तो उसको डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर हैं। और आप लोगों को एक चीज आप लोग जानते भी हैं, फिर भी रिपीट कर दी जाए कि स्नातकोत्तर कक्षाओं में आते आते आपकी नॉलेज सब्जेक्ट की अच्छी होती है, परिपक्वता मेजोरिटी भी आप में होती है, और जो स्नातकोत्तर के सब्जेक्ट्स होते हैं वो चार होते हैं अमूमन, कभी कभी पांच होते हैं। तो अमूमन जो चार सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी जो पेपर्स होते हैं आप लोगों ने उसमें से कम 50-60% पढ़ा हुआ होता है। तो एक और स्नातक की तुलना में पेपर्स का कम हो जाना और दूसरी ओर आपके लिए मैच्योर हो जाना, आप मैच्योर हो जाते हैं तो आपके लिए इस कक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आसान हो जाता है। लेकिन सब कुछ आपके परिश्रम पर और आपकी रुचि लेने पर निर्भर करता है। यद्यपि एमकॉम या स्नातकोत्तर कक्षाओं का चयन उनके द्वारा ही किया जाता है जिन्हें टीचिंग की लाइन में भी जाने की महत्वाकांक्षा होती है, आकांक्षा होती है, उनका टारगेट होता है कि वहां जाना है। अन्यथा तो सिविल सर्विसेज को लेकर के भी हम बात करें या किसी भी सर्विस की बात करें, वहां ग्रेजुएशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही काफी मानी जाती है और वो पात्रता वाली डिग्री होती है। तो जब हम इस प्रकार के स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें अगर पाठ्यक्रम एक जगह पर हमको नहीं मिलता है तो हमें 2-3 राइटर्स की बुक को कंसल्ट करना होता है, और हम जितनी ज्यादा बुक्स को कंसल्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए सब्जेक्ट का ज्ञान बढ़ेगा, डीपली हम सब्जेक्ट को जान पाएंगे। इसीलिए मेरी आपकी गुजारिश और अपील है, अनुरोध है कि हम पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अपना अध्ययन सुनिश्चित करें, और केवल एक राइटर नहीं वरन 2-2, 3-3 राइटर्स। लाइब्रेरी भी होती है, अपनी पर्सनल बुक्स भी होती हैं, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी, आपस में स्टूडेंट टीम स्टडी की भावना से काम करें और उसमें कोई एक राइटर की बुक ले, कोई दूसरे राइटर की बुक ले ले, इस प्रकार से आप टॉपिक को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। और टॉपिक को तैयार करने के लिए आपको प्रोफेसर्स के मार्गदर्शन के साथ साथ स्टूडेंट सेक्टर में भी, छात्रों की टीम में भी, इससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा और आपकी स्कोरिंग अच्छी होगी। और स्कोरिंग का फर्क ये पड़ेगा कि आगे जाकर के जब आप यूजीसी की नेट परीक्षा वगैरह देंगे या कॉलेजिएट एजुकेशनल सेक्टर में, एकेडमिक सेक्टर में आप आना चाहेंगे तो आपके लिए वो एक अच्छी जगह होगी। इसलिए सारे बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए अपनी तैयारी करें और हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के संबंध में चर्चा करें। 2 पहलू हैं, एक है सैद्धांतिक और दूसरा है व्यावहारिक। तो हम संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत इसके व्यावहारिक पक्ष को देखते हैं संगठन के। लेकिन सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक हमारे संगठन के बारे में हमारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, संगठन को हम नहीं जानेंगे, तब तक संगठनात्मक व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हमारे लिए चर्चा सार्थकतापूर्ण नहीं होगी, वो सार्थक बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए हम ये देखेंगे आगे चल करके कि संगठन है क्या और फिर संगठनात्मक व्यवहार, जहां एक ओर सैद्धांतिक पक्ष है संगठन का, वहीं दूसरी ओर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात जब आती है तो वो प्रैक्टिकल अस्तित्व को टच करता है।
व्यावहारिक पहलू को छूता है। इस प्रकार से दोनों को एक नॉलेज, एक्सटेंसिव नॉलेज होना आवश्यक होगा। संगठन के बारे में हम जितना बेटर जानेंगे, संगठनात्मक व्यवहार के बारे में हम अपने आप जानना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उसी का व्यावहारिक पहलू है, ये संगठन का ही व्यावहारिक पहलू है। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत अमूमन जो आपको टॉपिक पढ़ने होंगे, अमूमन जिन टॉपिक का आपको अध्ययन करना होगा, वो है संगठन ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, उसकी प्रोसेस, फिर उसके प्रारूप, फिर उसके प्रिंसिपल्स और अप्रोच, इसके बाद संगठनात्मक व्यवहार, फिर इसमें चेंज होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और एनवायरनमेंट, इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी लाइबिलिटीज, डेलीगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, इसके साथ ही डिसीजन मेकिंग। मैं एक बात आप लोगों को बताता रहा हूं और अब आप जानते भी होंगे, आप सब्जेक्ट एम कॉम या कॉमर्स के सारे विषय इतने प्रैक्टिकल और इतने बढ़िया हैं कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन, केवल एग्जामिनेशन के लिए नहीं, वरन किसी सर्विस सेक्टर में जाएंगे, बिजनेस सेक्टर में जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, पॉलिटिकल सेक्टर में जाएंगे, सोशल सर्विस सेक्टर में जाएंगे, ये सब्जेक्ट्स आपको काम आने ही वाले हैं, इन सब्जेक्ट के बिना काम होने वाला नहीं है। इसीलिए आप अपने सब्जेक्ट पर समुचित पकड़ बनाए रखिए। डिसीजन मेकिंग की जब बात आई, निर्णय प्रक्रिया, तब मैंने आपसे बात की, जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज पाती है हमारे लिए डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग निर्णयन हर किसी के बूते की बात नहीं होती, हर किसी के वक्त की बात नहीं होती, तो डिसीजन मेकिंग क्विक हो, एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो, ये सब डिपेंड करता है जब हमारी इन चीजों की स्टडी की हुई हो। फॉर्चुनेटली यू आर स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड नोइंग ऑल दीज थिंग्स, केवल आपको डीपली उसमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसीलिए का हम बाद में रख रहे हैं, 15 मिनट का सेशन रहेगा, अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी। तो निर्णय प्रक्रिया आप पढ़िए, निर्णय प्रक्रिया को देखिए और निर्णय प्रक्रिया आप प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे चीजों से लेके बड़े बड़े चीजों के निर्णय तक, जिसमें डिसीजन मेकिंग जैसा होगा वो उतना ही ज्यादा सफल होगा। एक अर्श पर होता है, एक फर्श पर होता है, तो दोनों के बीच अगर कोई चीज होती है तो वो डिसीजन मेकिंग की होती है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू। एक अर्श वाले की बात करेंगे, एक फर्श वाले की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि निर्णय की प्रक्रिया के अंतर्गत जिसका निर्णय एक्यूरेट और फास्ट होगा, वो निश्चित रूप से सफलता के ज्यादा नजदीक होगा। इसी प्रकार से हम नियंत्रण का क्षेत्र और अधिकारों का विकेंद्रीकरण, उद्योगों में मानवीय व्यवहार को भी देखेंगे। औद्योगिक मनोविज्ञान है, अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है, चाहे लेने के मामले में हो या मामले में हो। जब हमारे लिए कोई कार्य पास है तो हमें प्रेरित किया जाना चाहिए, और जब हम किसी कार्य करवा रहे हैं तो हमें अभिप्रेरित करना चाहिए। इसका अपना एक ये जादुई छड़ी होती है अभिप्रेरणा। मोटिवेशनल प्रोग्राम आपका जितना बढ़िया होगा, चाहे लेने के मामले लेने के मामले में, आप निश्चित रूप से सफलता के उतने ही नजदीक होंगे, सफलता आपके उतने ही करीब होगी, पास होगी। तो इन टॉपिक का अमूमन सामान्य अध्ययन करना है, कुछ और भी टॉपिक्स होंगे लेकिन प्रमुख रूप से हम इन हेड्स के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन वही बात जो मैंने आपसे पूर्व में ही कही कि हमको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहिए। बहुत अच्छे प्रबंध शास्त्री, बहुत अच्छे बिजनेसमैन और बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर ये बात कहते हैं, हमसे चाहे सब कुछ ले लीजिए, हमसे सब कुछ छुड़ा लीजिए, लेकिन हमारा संगठन हमारे पास छोड़ दीजिए, हम बहुत शीघ्रता के साथ अपने को स्वयं खड़ा कर लेंगे। इस कथन से ही हमको ऑर्गेनाइजेशन के, संगठन के महत्व का पता है। संगठन क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी क्या प्रकृति होती है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और ये आगे जाकर के संगठनात्मक व्यवहार में किस प्रकार से हेल्प करता है और क्या करना चाहिए उसको, इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए आज हम हैं। पूर्व में भी आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक पीरियड अटेंड किया है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यद्यपि हमारे यहाँ तो हर सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन फिर भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़िए, जानेंगे आप घर के प्रबंध से लेकर के, अभी अपन बीच में चर्चा करेंगे कि परिवार क्या होता है और सबसे पहला प्रारूप वही है। तो हम ये देखते हैं कि हमको बहुत अच्छे कारोबार तो संचालित करने हैं, अच्छे जॉब में बन करके, अच्छे जगह पर पहुंच करके, जो हमारे स्टूडेंट प्रशासनिक सेवा में जानना चाहेंगे
उनके लिए भी बहुत बढ़िया, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र को पकड़ेंगे उनके लिए भी बहुत बढ़िया, और जो परिवार को भी अच्छी तरह से संचालित करना चाहेंगे उनके लिए भी बहुत बढ़िया। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप अपनी लाइफ में उसको कितना अप्लाई कर पाते हैं, और लाइफ में अप्लाई करने की बात तब होगी जब आप उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर उसको गढ़ेंगे। एक तरफ स्टडी, दूसरी तरफ एग्जीक्यूशन, एक थ्योरेटिकल पार्ट, दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट, उसी संबंध में हम को टच करने जा रहे हैं। तो पहले हम जानें संगठन होता क्या है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया अपनानी होती है। लक्ष्य निर्धारित कर लेना जितना सरल काम है, उतना ही जटिल उसको प्राप्त करने की बात भी है। हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा गोल, वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये जीवन की बहुत बेहतर और अनिवार्य चीज है कि हमारे लक्ष्य का निर्धारण हो, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल हो, ऑब्जेक्ट का निर्धारण हो। आपने ऑब्जेक्ट का निर्धारण कर लिया, नो डाउट, बहुत अच्छा किया। अब दूसरी बात उसके साथ आती है फिर उस लक्ष्य को, अभीष्ट को प्राप्त करने की, कि हाउ कैन वी अचीव द टारगेट। अब हम अपने गोल को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, हम अपना लक्ष्य, हम अपना अभीष्ट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो कहा जाता है, वस्तुतः संगठन है एक ढांचा जिसके द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनशक्ति, सामग्री और धन का सही उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके पास जनशक्ति है, सामग्री है और धन है, और उसका उपयोग प्रॉपरली करने की बात जब आएगी तो आपको एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, और यही स्ट्रक्चर यह है एक ऑर्गेनाइजेशन। प्रारंभ में जब कुछ व्यक्ति कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ समय तक मिलजुल कर आपसी सहमति से काम करते हैं तो संगठन का जन्म होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सामने आए, उसमें उन्होंने जाकर के अपना संगठन खड़ा कर लिया और एक राजनीतिक पार्टी का उसमें से उदय हो गया, राजनीतिक पार्टी का जन्म हो गया। कुछ लक्ष्यों के लिए वो लोग मिले थे, सीमित लक्ष्यों के लिए उन्होंने मिलजुल कर आपस में काम करने का निर्णय लिया था, सहमत हुए थे, और बाद में संगठन का जन्म हो गया। इस प्रकार से हम परिवार को समाज का सबसे पहला संगठन मानते हैं। पहला संगठन है हमारा परिवार। उसके बाद समय के साथ साथ कई तरह के संगठन बनने प्रारंभ हुए, औद्योगिक क्रांति आई और परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन शुरू हुआ। वो मोहल्ले से, शहर से, प्रदेश से, देश से निरंतर अपना सफर करता हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा पहुंचा, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने जन्म लिया। हाथों की जगह मशीनों ने ले ली और कारखाना उत्पादन का केंद्र बना, जिससे बड़े बड़े संगठन की एक श्रृंखला प्रारंभ हुई जो आज हमको देखने को मिलती है। संगठन की जो प्राचीन विचारधारा है उसमें मानव संबंधों को कोई स्थान नहीं दिया गया है, और यह माना गया है कि संगठन कार्य करने का ढांचा मात्र है जिसके द्वारा कोई विशिष्ट कार्य संपन्न होता है। इस प्रकार के विचारों अथवा दृष्टिकोण में मानव की भूमिका उपेक्षित है, मतलब मानव की भूमिका को कोई विशेष तवज्जो वहां नहीं दी गई है, जबकि संगठन की आधुनिक विचारधारा में मानव संबंधों के महत्व को केवल स्वीकार किया गया है, बल्कि मानव प्रत्येक संगठन में समस्त क्रियाओं का केंद्र होता है यह माना गया है। संगठन कार्य संरचना संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार यदि हम किसी प्रशासकीय संगठन में मानवीय पक्ष की उपेक्षा करते हैं तो इसका सीधा सा संदेश जाता है, सीधा सा अर्थ होता है प्रशासन के हृदय की उपेक्षा। मतलब क्लियर हो गया, हम मानवीय पक्ष की अवहेलना, मानवीय पक्ष को उपेक्षित करके और प्रशासन के हृदय की उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार से ये आधुनिक विचारधारा है जो ये हमको बतलाती है। हम इसमें उन विद्वानों की डेफिनेशंस को भी देखें, उन विद्वानों के विचारों को भी देखें जिन्होंने इस बारे में अपने को अभिव्यक्त किया है। मूने और रेले की एक परिभाषा है कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव सहयोग नाम ही संगठन है। सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्ट है, उसको प्राप्त करने के लिए जो मानव सहयोग करते हैं उसका नाम ही संगठन है। बट ए साइमन क्या कहते हैं, संगठन परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों के वर्ग का ही नाम है। फिर चेस्टर आई बर्नार्ड
के अनुसार संगठन अधिक व्यक्तियों द्वारा सोच समझ कर की गई समन्वित क्रियाओं या प्रभावों का तंत्र है। फिर लुयर गुलिक के अनुसार वो क्या कहते हैं, संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित और निर्धारित किया जाता है तथा उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है। उर्विक कहते हैं संगठन का अर्थ है उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करना और ऐसे वर्ग में क्रमबद्ध करना जो विभिन्न व्यक्तियों को सौंपे जा सके। इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संगठन में मूलतः उसका ढांचा, उसमें कार्यरत व्यक्तियों के बीच की कार्यशील व्यवस्था और उनके परस्पर संबंध शामिल होते हैं। युग में व्यक्ति के जीवन और संगठनों के बीच अटूट संबंध है। व्यक्तियों के संगठन की और संगठन के बिना व्यक्तियों की कल्पना करना कठिन है। इस प्रकार एक दूसरे के ये पर्याय हैं। इसकी विशेषताएं हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे को और क्लियर करने में हमारा सहयोग करेंगी। मैं समझता हूं कि सबसे पहले आपने कॉमर्स में व्यावसायिक संगठन को आके पढ़ा होगा और उसमें भी संगठन पढ़ने का अवसर आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में मिल गया होगा, लेकिन रिपीट करने की बात और अच्छी तरह से एक्सटेंसिव स्टडी के साथ जाने की बात पीजी में होती है। तो हम इसकी संगठन ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक को देखें, इसके नेचर को देखें। इसमें नंबर है उद्देश्यपूर्ण प्रकृति। प्रत्येक संगठन की स्थापना कुछ विशेष लक्ष्य अथवा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। संगठन जो स्थापित किया जाता है उसका कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है, बिना लक्ष्य के कोई संगठन नहीं हो सकता। ये संगठन इन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनवरत रूप से तय करते रहना, प्रयास करते रहना ताकि सुनिश्चित हो सके। फिर परिवर्तनशील चेंजेबल नेचर है, ये एक प्रकार से हम फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात करते हैं। संगठन का रूप परिस्थितियों और आवश्यकताओं के साथ बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है। समय युग में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं तो इसका रूप जो है परिस्थितियों और आवश्यकताओं के साथ परिवर्तित होता रहता है। जिस समस्या के समाधान के लिए संगठन स्थापित किया जाता है उस समस्या के समाप्त हो जाने पर संगठन भी समाप्त कर दिया जाता है। प्रकार की लीजिए, आप किसी लक्ष्य को निर्धारित निराकृत करने के लिए, निराकरण के लिए एक संगठन बनाइए, तो इस प्रकार से जब उसका समाधान हो जाएगा जिस समस्या के लिए संगठन स्थापित हुआ था तो संगठन समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद विकासशील प्रकृति भी है। समय बीतने के साथ साथ संगठन के निष्क्रिय और निरर्थक बन जाने का भय बना रहता है, अतः परिस्थितियों के अनुसार संगठन में भी परिवर्तन परिवर्धन होते रहते हैं। मानवीय और यांत्रिक धारणा। संगठन की प्रकृति के संबंध में मुख्य रूप से दो धारणाएं पाई जाती हैं, एक मानवीय धारणा और दूसरी यांत्रिक धारणा। मानवीय धारणा की मांग है कि संगठन बनाते समय व्यक्तियों, मानवीय अभिप्रेरणा और अनौपचारिक सामूहिक कार्य संचालन पर अत्यधिक बल दिया जाए। किन किन चीजों संगठन बनाते समय व्यक्तियों, मानवीय अभिप्रेरणा और अनौपचारिक सामूहिक कार्य संचालन पर बल दिया जाना चाहिए। कोण के अनुसार संगठन का यह औपचारिक डिजाइन है जिसे विशेषज्ञों द्वारा ही बनाया जाता है। यह दृष्टिकोण संगठन को एक मशीन या यंत्र की भांति मान्यता देता है। जिस प्रकार मशीन की कोई अपनी इच्छा नहीं होती और चालक की इच्छा अनुसार उसे चलना होता है, उसी प्रकार संगठन की भी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, संगठनकर्ता की इच्छा अनुसार उस संगठन का संचालन होता रहता है। व्यक्ति समूह का होना। संगठन की एक मूल विशेषता यह भी है कि इसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के समूह होते हैं। फिर एक प्रणाली, अ सिस्टम। संगठन एकीकृत प्रणाली है जिसका निर्माण अनेक विभागों और उनके बीच समन्वयन संबंधी क्रियाओं से होता है। यह प्रणाली जटिल होती है तथा संख्या के उद्देश्यों की पूर्ति करती है, संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। एक साधन, संगठन एक साधन है, साध्य नहीं है।
जिसके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं जीवों को, यही सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनाई जाने वाली व्यवस्था भी है। इस प्रकार ये संगठन की प्रकृति या विशेषताएं, इनको देखने के बाद हम अध्ययन करते हैं संगठन की इम्पोर्टेंस का, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के महत्व को हम जिन बिंदुओं के आधार पर आपके सामने रख सकते हैं वो है प्रबंध की कार्यकुशलता में वृद्धि करना। वर्तमान समय में हमें कार्यकुशल होना, स्किल होना बहुत आवश्यक है और मैनेजरियल स्किलनेस पर पूरे के पूरे कारोबार, इसीलिए प्रबंध की कार्यकुशल में वृद्धि करने के लिए संगठन किस प्रकार से उपयोगी है हम देखते हैं। प्रभावपूर्ण संगठन के अंतर्गत कार्य निष्पादन किसी प्रकार की देरी और दोहराव नहीं होता, सबको विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु उत्तरदायित्व और अधिकार सौंप दिए जाते हैं। इससे संगठन को कर्मचारियों की योजनाओं, गुणों आदि का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होता है। इससे आपसी मनमुटाव, तनाव तथा सहयोग पाया जाता है। ये चीजें बाधक होती हैं डेवलपमेंट में, विकास में, और ऑर्गेनाइजेशन में ये गुण होता है कि वो इन चीजों को दूर कर सकता है, के परिणाम स्वरूप ही संगठन की कार्य क्षमता का विकास और उसमें वृद्धि होती है। फिर मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग, हमारे भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत एक समृद्ध राष्ट्र है जिसमें निर्धनता निवास करती है या धन व्यक्ति निवास करते हैं। ये इस संदर्भ में कही जाती है कि हम अपने रिसोर्सेज का पूरा एक्सप्लाइटेशन नहीं करते। मैं व्यक्तिगत स्तर पर आपसे ये बात करना चाहता हूं, आपके पास साधन हैं, हम कभी भी नेगेटिव अप्रोच लेकर के संसाधनों की कमी का रोना न रोएं। अपने परिवार से हम जिंदगी को स्टार्ट करते हैं, वहीं से जो साधन हैं उनका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, उनका हम अधिकतम उपयोग कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, हमको इस पर फोकस होना चाहिए। हमको इस पर अपने को केंद्रीकृत करना चाहिए, सेंट्रलाइज करना चाहिए कि इन संसाधनों के बीच हम अपनी उन्नति कैसे कर सकते हैं, क्योंकि संसार का चाहे कोई अच्छा व्यक्ति रहा हो या अच्छे साधन संपन्नता आरंभ में ही सबके साथ नहीं रहेगी, तो हम मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग संगठन के माध्यम से सुनिश्चित कर सकते हैं। वो किस प्रकार से कि संगठन में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण अपनाया जाता है। श्रम विभाजन आप लोग जानते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं कि कर्मचारियों के बीच में, श्रमिकों के बीच में कार्य विभाजित कर देना। अब निश्चित रूप से उनकी रुचि और योग्यता का इसमें ध्यान रखा जाता है, यही विशिष्टीकरण। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य दिया जाता है जिसको वह आसानी से कर सकता है, अर्थात उसमें निपुण है तथा जिसके लिए वह योग्य होता है, उसके लिए एंटाइटल भी है, एबल भी है। संगठन के माध्यम से ही विशिष्टीकरण अपनाया जाता है और विशिष्टीकरण के माध्यम से ही सत मानवीय संबंधों का अधिकतम उपयोग संभव हो पाता है। इसी प्रकार से विभिन्न क्रियाओं का आनुपातिक और संतुलित महत्व, संगठन के विभिन्न विभागों, कार्यों, उद्देश्यों तथा समस्याओं का अपना अपना महत्व होता है। संगठन का कार्य इन विभिन्न क्रियाओं के आनुपातिक महत्व को स्वीकार करते हुए उनमें संतुलन स्थापित करना होता है, बैलेंस। जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए न अधिक ब्लड प्रेशर ठीक होता न कम ठीक होता, एक संतुलन होना चाहिए, आदर्श वाली स्थिति होना चाहिए, उस पर ही हमारे सारे क्रियाकलाप सामान्य रूप से संचालित। वह संतुलन प्रत्येक जगह कायम रखने की आवश्यकता होती है, वो संगठन के माध्यम से संभव होता है। समन्वय को सुविधाजनक बनाना, कोऑर्डिनेशन, अगर हमारे संसाधनों के बीच में, अगर हमारे लक्ष्य और साधनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव है, समन्वय का अभाव है, तो भी हमारे लिए चीज अच्छी नहीं हो सकती। अब संगठन का यहाँ पर क्या रोल है हम देखें, विभिन्न विभागों में कार्यों और क्रियाओं का समन्वय संगठन के माध्यम से ही संभव हो पाता है, अन्यथा को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। इस समन्वय के परिणाम स्वरूप संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुगमता रहती है। तो हमको इस दृष्टिकोण से भी संगठन का महत्व हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है। फिर प्रभावी संप्रेषण, मैंने जब बीकॉम की अभी पिछली बार थी, अब बीकॉम की भी सेकंड सेम की ले रहे हैं, अभी भी उसकी आवश्यकता होती है, हमारे वरिष्ठों को भी होती है, तो आप स्टूडेंट्स की बात नहीं करें केवल, कि प्रभावी संप्रेषण बताई थी
जिनको अपने जीवन में अर्ली स्टेज पर हैं या जिन्होंने अभी लक्ष्य का निर्धारण किया, उनको तीन चीजों पर फोकस करना चाहिए। एक कम्युनिकेशन स्किलनेस, संवाद कुशलता। संवाद कुशलता से आप लीडर, प्लीडर और सब कुछ बन सकते हैं। और दूसरा लैंग्वेज, भाषा पर पकड़, हिंदी और अंग्रेजी से कम बढ़ चलेगा लेकिन भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। तीसरा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, अवेयरनेस अबाउट कंप्यूटर नॉलेज। तो इस प्रकार से या बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये तीन चीज अगर हमारे पास वर्तमान युग में है तो भी हम खाली नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ हमारे पास अवश्य होगा और प्रभावी होगा। ये केवल प्रशिक्षण की बात आई थी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात आई थी, इसीलिए आपसे डिस्कस करना उचित समझा। तो प्रभावी संप्रेषण श्रेष्ठ संगठन संरचना से पूर्व निश्चित संबंधों के कारण संदेशों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है और हम लक्ष्य प्राप्त करने के नजदीक पहुंच जाते हैं। फिर औद्योगिक शांति को प्रोत्साहन, औद्योगिक जब क्रांति होती है तो हमारी आवश्यकता बन जाती है औद्योगिक शांति। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर ज्यादा होगा, औद्योगिक विवाद अगर ज्यादा होगा तो सुरक्षा और विकास दोनों के लिए वो खतरा होगा। हम संगठन के बीच में अच्छे संगठन के बीच में औद्योगिक शांति को कायम रखने में सफल होते हैं। प्रभावपूर्ण संगठन से श्रम और पूंजी में आपसी सहयोग और सद्विश्वास उत्पन्न होता है और इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक शांति की स्थापना संभव हो सकती है, जो किसी भी देश के द्रुत आर्थिक विकास के लिए एक बहुत आवश्यक शर्त हुआ करती है। इसी प्रकार से न्यूनतम लागत और अधिकतम उत्पादन, ये सफलता का पहला सूत्र है। अगर किसी की लागतें ज्यादा होंगी तो वो वर्तमान कॉम्पिटिटिव में अपने को स्टैंड नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सर्वाइव रख नहीं पाएगा। इसीलिए न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन की बात संभव होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज करेंगे, क्योंकि क्वालिटी का कंपटीशन भी चहुं ओर है, मूल्यों का कंपटीशन भी चहुं ओर है, समग्र जगह पर है, सर्वज्ञ है। इसलिए इन दोनों के बीच के लिए हमारे पास आवश्यकता होती है कि हम अधिकतम उत्पादन न्यूनतम लागत पर कैसे कर पाते हैं। तो संगठन हमारा अच्छा होगा तो यह भी संभव है। प्रभावपूर्ण संगठन जिसको हम कहते हैं, उसके अंतर्गत संस्थान को इस प्रकार से चलाया जाता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं और हम बाजार में स्वयं को स्टैंड भी कर सकते हैं। फिर तकनीकी सुधार को प्रोत्साहन, प्रभाव के माध्यम से उत्पादन के क्षेत्र में समय समय पर अपनाए जाने वाले तकनीकी सुधारों से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इससे प्रभावपूर्ण होते हैं और प्रभावपूर्ण तकनीकी सुधारों से निश्चित रूप से हमारा संगठन विकास की ओर अग्रसर होता है, डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ता है। इसीलिए तकनीकी सुधार को प्रोत्साहन भी माध्यम से हम इस प्रकार कह सकते हैं प्राप्त होता है। फिर उपक्रम का विस्तार, और एक अच्छा संगठन विकास का एक सुदृढ़ ढांचा प्रदान करता है। जितना अच्छा संगठन होगा, विकास का मजबूत ढांचा हमको मिलेगा। बिना प्रभावपूर्ण संगठन के कोई भी उपक्रम लॉन्ग टर्म तक नहीं चलाया जा सकता, दीर्घ काल तक उसको संचालित नहीं किया जा सकता। इसीलिए बड़े उपक्रम जिनमें सैकड़ों हजारों व्यक्ति कार्यरत होते हैं तथा विभिन्न प्रकार की कार्यात्मक क्रियाएं होती रहती हैं, वे सब प्रबंध के संगठनात्मक कार्य का ही परिणाम होते हैं। इस तरह प्रभावपूर्ण संगठन उपक्रम के विकास और विस्तार के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित करने में मदद करता है। फिर हम भ्रष्टाचार को रोकने की बात का इम्पोर्टेंस जो है उसको भी संगठन के माध्यम से देख सकते हैं कि एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन निष्ठावान, ईमानदार, चरित्रवान, योग्य, मेहनती और सहयोगी कर्मचारियों का विकास करता है। संगठन से ही कर्मचारियों को कार्य करने हेतु प्रेरणा तथा निष्ठा उत्पन्न होती है। फिर प्रबंधकों के विकास और प्रशिक्षण में सहायक, एक प्रभावपूर्ण संगठन प्रबंधकों के विकास और उनके प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिससे वे उन्नत बनते हैं और संस्था के विकास के लिए अधिक कारगर साबित होते हैं। इस प्रकार हमने संगठन के इस इम्पोर्टेंस को देखा। अब एक आदर्श संगठन किस प्रकार का होना चाहिए,
उसमें वे कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए किसी भी संगठन में जिससे हम उसको आदर्श आदर्श ऑप्टिमम सर्कमस्टेंसेस जो होती हैं, आदर्श जो होती हैं, उनके लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है और एक आदर्श संगठन में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हम इसको देखते हैं कि नंबर वन, जिस संगठन में सभी आवश्यक सिद्धांतों का पालन किया जाता हो और ऐसा संगठन जो उपक्रम के अंतिम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। कुछ सिद्धांत होते हैं संगठन के, उनका पालन किया जाता हो। जीवन मनुष्य का बेकार होता है तो संगठन का भी कुछ आवश्यक सिद्धांत होते हैं जिनका वो पालन सुनिश्चित हो, और ऐसा संगठन जो उपक्रम के अंतिम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। इस प्रकार एक आदर्श संगठन की जो विशेषताएं होती हैं मुख्य रूप से वो इस प्रकार हैं। अधिकारों का स्पष्ट विभाजन, जब तक अधिकारों का विभाजन स्पष्ट नहीं होगा तब तक संगठन प्रभावी नहीं हो सकता। स्वस्थ संगठन के लिए यह नितांत आवश्यक है कि उसमें ऊपर से नीचे तक अधिकारों का स्पष्ट विभाजन हो। इस अवधारणा का आधार स्केलर सिद्धांत है। हम अगर अधिकारों का विभाजन स्पष्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए यह परेशानी होगी कि हम आदर्श संगठन के स्वरूप को प्राप्त कर पाए। स्पष्ट उत्तरदायित्व, अधिकार ही स्पष्ट नहीं वरन उत्तरदायित्व भी स्पष्ट होने चाहिए, किस व्यक्ति को क्या करना है। इस प्रकार कि अधिकारों के साथ साथ कर्मचारियों के उत्तरदायित्व भी स्पष्ट होने चाहिए, किसके प्रति तथा उनके प्रति कौन उत्तरदायी है इसका स्पष्ट विवेचन होना चाहिए। आदेश की एकता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर निर्भर करता है। अधिकारों तथा दायित्वों में समानता, अधिकार दायित्व के अनुरूप एवं दायित्व अधिकारों के अनुरूप होने चाहिए, इस आवश्यकता का आधार अधिकार सत्ता का सिद्धांत है। फिर उद्देश्यों के प्रति जागरूकता, हमारे उद्देश्य हैं, हमने उद्देश्य निर्धारित किए लेकिन उद्देश्यों के प्रति जागरूकता नहीं है तो भी हमारी सफलता हमको अपने से दूर रखेगी। तो उद्देश्यों के प्रति जागरूकता, संस्था में सभी व्यक्तियों को उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति उद्देश्यों की एकता के सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है। फिर नियंत्रण का उपयुक्त क्षेत्र, नियंत्रण का क्षेत्र अधिक व्यापक अथवा अधिक सीमित नहीं होना चाहिए। संतुलन वाली बात आ गई, साम्य वाली बात आ गई। इस आवश्यकता का आधार नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत है। नियंत्रण का क्षेत्र अगर हमारा बहुत व्यापक होगा तो कठिनाई है, और अधिक बहुत अधिक सीमित है तो भी कठिनाई है। अधिक व्यापक होने पर नियंत्रण की प्रॉब्लम होगी और अधिक सीमित होने पर विस्तार की प्रॉब्लम होगी। इस प्रकार से लाभ की प्रॉब्लम होगी तो इसके बीच में भी एक साम्य, एक संतुलन होना चाहिए, और इस आवश्यकता का आधार है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। कार्यों का समुचित आवंटन, हम कार्य जब बंटन अच्छी तरह से करते हैं, समुचित आधार पर करते हैं तो हमारी सफलता, संगठन की सफलता और आदर्श संगठन की बात ज्यादा कारगर होती है। संगठन के कार्यों को स्वस्थ समूहों में बांटकर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए। इस आवश्यकता का आधार विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। इसका मतलब यह है उसकी उसमें रुचि भी है, तो अगर हम उसको वो कार्य देंगे तो हमारे लिए वो बेहतर ऑर्गेनाइजेशन साबित होगा, बेहतर व्यक्ति होगा, बेहतर साधन साबित होगा और हम अपने लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्राप्त करने में कामयाब होंगे। फिर साधनों का श्रेष्ठ उपयोग और संस्था का विकास, हमने देखा अभी अपन बात कर रहे थे कि हमको एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स जाना चाहिए। हम साधनों का एक प्रकार से समुचित दोहन कर पाए, दोहन करने की हमको क्षमता हो और ये भावना हो कि हम वर्तमान में जो हमारे पास साधन है उनका उचित इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार यदि हमारी ये नीति रहेगी, हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा संगठन एक आदर्श संगठन की स्थिति वाला होगा। एक स्वस्थ, हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ संगठन के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उसके समस्त भौतिक और मानसिक संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतरता के सिद्धांत, समन्वय आदि को अपनाना आवश्यक होता है। फिर कर्मचारी संतुष्टि एवं विकास, कर्मचारियों को संतुष्ट किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि किसी भी अनुचित मांग को मान लिया जाना चाहिए।
जहां भी संतुलन की बात होगी कि हम उनकी अच्छी बेहतर बात को नकारें नहीं और खराब बात को स्वीकारें नहीं। तो इसमें हम देखें कि इसमें आदर्श संगठन के लिए, एक स्वस्थ संगठन के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उसके सभी कर्मचारी संतुष्ट हों, जिससे उनका मनोबल सदैव ऊंचा बना रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण से मतलब ये होता है कि हम एक सेवा के माध्यम से यह देखें, सेवा को आधार मानकर ये देखें कि उस जिसको जो कर्मचारी हमारे लिए काम कर रहा है उसकी भी अपनी व्यवस्थाएं हैं, उसकी जब हम उसकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी संगठन की आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं करेगा। यह प्रयोग करके बात कही जाती है, केवल उपदेशात्मक नहीं है, पहले हमें उसका होना होगा और फिर उससे यह अपेक्षा करनी होगी कि वो हमारा भी हो। संप्रेषण की प्रभावी व्यवस्था, स्वस्थ संगठन के लिए प्रभावपूर्ण संचार व्यवस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। इसका स्पष्ट आशय यह है कि उपक्रम के प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि संस्था में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है तथा क्या होगा। जब वह इनके प्रति अच्छी तरह से जानेगा तो हम यह मानेंगे कि संप्रेषण की प्रभावी व्यवस्था संगठन में लागू है, इस प्रकार वह आदर्श संगठन कहलाने की पात्रता प्राप्त कर लेता है। फिर इफेक्टिव लीडरशिप, प्रभावी नेतृत्व तो होना चाहिए। यह कहा जाता है ठीक है, तो इसमें मालिक के अनुसार कर्मचारी आचरण करते हैं तो हमारा कैप्टन जो लीडरशिप के लिए आगे है उसे बहुत प्रभावी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अगर उसमें इफेक्टिवनेस होगी तो संगठन आदर्श कहलाने की स्थिति में होगा। मतलब एक स्वस्थ संगठन के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उसका नेतृत्व प्रभावी हो। प्रभावी नेतृत्व से ही साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग संभव हो सकेगा और संस्था समन्वय और मधुर संबंधों की स्थापना सुनिश्चित की जा सकेगी। स्थायित्व, ये बिंदु ऐसा है, स्थायित्व की बात, स्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होती है। श्रेष्ठ संगठन वही कहा जा सकता है जिसमें स्थायित्व हो, अर्थात जिसे छोटे छोटे विघ्न या समस्याएं प्रभावित न कर सकें, क्योंकि झंझावत आते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं, उनको जो झेल जाए, श्रेष्ठ संगठन में होनी चाहिए और वही एक आदर्श संगठन को कहलाने की पात्रता भी रखेगा। इस प्रकार हमने ये एक ऐसा सेक्टर देखा, ऐसा पहलू देखा संगठन का, जो संगठन को समझ लेने से हमारे लिए संगठनात्मक व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझना और आसान होगा। एक ये सैद्धांतिक पक्ष था, जब व्यवहारिक इसके पक्ष की ओर जाएंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बनेगा। बिहेवियर का मतलब ही कार्यात्मकता से होता है, हम एग्जीक्यूशन जब उसका करते हैं, प्रैक्टिकल बनते हैं, तो उसका जो पहलू हमारे सामने आता है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। संगठनात्मक व्यवहार फिर है क्या, हम इसको जाने कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बिहेवियर की बात करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हैं, पूर्व में ही यह बात अपन डिस्कस कर चुके हैं कि हमको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अपने बहुत क्लियर रखने चाहिए। जितने क्लियर हमारे होंगे उतने डीपली हम सब्जेक्ट को समझने में कामयाब होंगे, सफल होंगे। इसीलिए हम जब संगठन की बात करते हैं तो संगठन को समझते हैं, संगठनात्मक व्यवहार की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल व्यवहार की जब हम बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल व्यवहार को समझेंगे, बिहेवियर को समझेंगे। एक्चुअली संगठनात्मक व्यवहार ज्ञान का अध्ययन और प्रयोग है, जो हमें बतलाता है कि कैसे व्यक्ति व्यक्तिगत समूह के रूप में व्यवहार करता है। मतलब एक व्यक्ति व्यक्तिगत और समूह के रूप में व्यवहार कैसे करता है, यह उन तरीकों की पहचान करने में सहायता करता है जिसमें व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से अपने कार्यों का निष्पादन कर सके। प्रभावशाली ढंग से अपने कार्यों का निष्पादन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये निष्पादन तो करना होता है, लेकिन क्या आप प्रभावशाली तरीके से कर रहे हैं? कार्य सब संपन्न होते हैं, किस गुणवत्ता के साथ किए जाते हैं, किस इफेक्टिवनेस के साथ किए जाते हैं, किस प्रभावशीलता के साथ किए जाते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट। हम उसको प्रभावशाली तरीके से संपन्न जब करते हैं तो वो गाथा बनती है, तो वो इतिहास बनता है, तो वो आदर्श बनता है, तो वो एग्जाम्पल बनता है। इस प्रकार से यह एक व्यावहारिक विज्ञान है जिसके द्वारा एक संगठन में
प्रभावशाली आचरण को सूचना के माध्यम से सभी व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार आधुनिक युग में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का में किया जाता है। ये है बहुत प्राचीन, लेकिन इसको एक विशिष्ट विषय के रूप में पहचान हाल ही के समय में प्राप्त हुई है। जब यह अनुभव किया गया है कि जब हमारा संगठन अच्छा होगा तो उतना ही अच्छा संगठन व्यवहार होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होना चाहिए, तब हम अपने अभीष्ट को, लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल और कारगर कामयाब हो सकते हैं। इस प्रकार से संगठनात्मक व्यवहार, अगर हम वास्तव में कहें, वास्तविक शब्दों में कहें, वास्तविक अर्थों में, संगठनात्मक व्यवहार संपूर्ण प्रबंध का एक अंग है, पूरे एंटायर मैनेजमेंट का एक अंग है, और यह सभी युगों में प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और संगठन सभी व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत किया गया है। यह एक स्वीकृत मान्यता है कि कोई भी संगठन तभी विकास कर सकता है जब उसके सदस्य विकसित हो। अगर सदस्य विकसित नहीं होंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए संगठनात्मक व्यवहार कई स्तरों पर विश्लेषण करने हेतु उपयोगी तरीकों को करता है। यह संगठन में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करने में प्रबंधकों की सहायता भी किया करता है। अगर हम सामान्य अर्थों में कहें, सामान्य शब्दों में कहें, तो संगठनात्मक व्यवहार का अर्थ मानव के व्यवहार से है, ह्यूमन बिहेवियर, चाहे वह व्यक्ति के रूप में हो या एक कलेक्टिव रूप में, समूह के रूप में। सामान्यतया एक मनुष्य जो कुछ भी करता है वही उसका व्यवहार कहलाता है, बिहेवियर कहलाता है। मनुष्य के क्रियाकलाप भौतिक, जैसे मशीन या कंप्यूटर पर काम करना, अथवा मानसिक यथा निर्णय लेना, चिंतन करना आदि। इस प्रकार किसी विशिष्ट परिस्थिति या पर्यावरण के अंतर्गत एक मनुष्य जो भी करता है वह उसका व्यवहार कहा जाता है। अब इसमें विभिन्न विद्वानों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। डेविस निस्ट्रॉम के अनुसार संगठनात्मक व्यवहार किसी संगठन के भीतर लोग कैसे कार्य करते हैं के बारे में एवं ज्ञान का उपयोग के बारे में अध्ययन एवं ज्ञान का उपयोग करता है। यह मानव कल्याण के लिए मानवीय उपकरण है। इसमें सभी तरह के संगठन के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ग्रे और स्टॉर्क क्या कहते हैं, किसी संगठन में लोग वैसा क्यों करते हैं जैसा वे कार्य करते हैं, यह अध्ययन ही संगठनात्मक व्यवहार कहलाता है। लुथांस के अनुसार संगठनात्मक व्यवहार संगठनों में मानव व्यवहार को समझने, पूर्वानुमान लगाने तथा उसका प्रबंधन करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार यदि हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो संगठनात्मक व्यवहार में मानवीय व्यवहार को समझने का एक व्यवस्थित व्यवहार में मानवीय व्यवहार को समझने का एक व्यवस्थित प्रयास है, जिसकी सहायता से इस बात का ज्ञान हो संगठन और सदस्य अपने संगठन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसके तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं संगठनात्मक व्यवहार के, जो हैं चार। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, आपके कुछ यूनिवर्सिटीज में, कुछ में क्या, बहुत सारी में ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं क्वेश्चंस, तो संगठनात्मक व्यवहार के चार प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से हैं? पहला है लोग। व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी संगठन का आंतरिक सामाजिक तंत्र होता है। व्यक्तियों का समूह, ऐसे व्यक्तियों का समूह छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। ऐसे समूह तथा अनौपचारिक हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के समूह से ही संगठन का अस्तित्व कायम रहता है और संगठन का मुख्य लक्ष्य इन लोगों के उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है। ये समूह जिनसे संगठन का अस्तित्व बना रहता है का स्वरूप गत्यात्मक होता है, डायनेमिक होता है, क्योंकि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। गत्यात्मक नहीं होगा, डायनेमिक नहीं होगा, परिवर्तन संभव नहीं होंगे, तो फिर वो चीज बहुत अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए महत्वपूर्ण तत्व है फिर तकनीकी, टेक्नोलॉजी। तकनीकी से तात्पर्य उन साधनों से होता है जिसके सहारे, जिसके आश्रय से संगठन में लोग अपने अपने कार्यों को औपचारिक ढंग से करते हैं तथा ऐसे कार्य प्रभावित होते हैं। किसी भी संगठन में कर्मचारी अपने खाली हाथ से उत्तम कार्य नहीं कर सकते, तो उन्हें कार्य करने के लिए विशेष तकनीकी जैसे मशीन, कार्य डिजाइन, स्पेशलाइजेशन, भवन आदि की जरूरत होती है।
संगठन में तकनीकी का विशेष फायदा क्या मिलता है? इससे विशेष फायदा यह होता है कि इससे कर्मचारीगण उत्तम कार्य कर पाते हैं, एक्सीलेंस परफॉर्मेंस होता है इससे। हालांकि इससे कर्मचारियों या व्यक्तियों पर कुछ विशेष पाबंदी लग जाती है, इससे व्यवस्थापक की लागत में भी कुछ वृद्धि होने के चांसेज होते हैं। फिर एनवायरनमेंट को सभी तरह के संगठन का एक बाह्य वातावरण होता है जिससे वो प्रभावित होता है। वास्तव में कोई भी संगठन एक बड़े तंत्र जिसमें कई तत्व जैसे सरकार, परिवार तथा अन्य छोटे छोटे संगठन को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी को प्रभावित करें और कोई हमें प्रभावित न करे, ऐसा नहीं होता। एक दूसरे से प्रभावित होते हैं का हिस्सा या अंग लोगों की जीवन शैली को निर्धारित करते हैं। कोई भी व्यक्ति संगठन जैसे विश्वविद्यालय, विद्यालय, फैक्ट्री, कारखाना वातावरण के बिना नहीं रह सकता। साथ ही साथ यह लोगों की मनोवृत्ति को भी प्रभावित करता है, कार्य वातावरण को प्रभावित करता है तथा सत्ता एवं सदन के लिए प्रतियोगिता भी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमने इसके अंतर्गत आपसे यह अपेक्षा की कि आप संगठन को देखें और इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को भी देखें। एक सैद्धांतिक पक्ष है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, एक व्यावहारिक पक्ष है, एक सैद्धांतिक पक्ष है, और दूसरी बात यह है कि आप बुक्स के माध्यम से अपना अध्ययन सुनिश्चित करें। अब बुक्स में जैसे हमने आपको कोट किया है, आप देखें डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर पी एन यादव साहित्य भवन पब्लिकेशंस के हैं, कुछ और भी हैं। इसके साथ न केवल ये आपके, अब चूंकि आप स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र हैं, यू आर पीजी स्टूडेंट, तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में चार जो घटनाएं घटित हों उसके बारे में भी आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। आप जर्नल्स में छपता है उसको भी पढ़ें और सब्जेक्ट के बारे में और विभिन्न प्रकार के टॉपिक के बारे में, तब आप अपने विचारों को बहुत प्रभावी तरीके से स्पष्ट कर पाएंगे। आप देखिएगा कि देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन या कोरिलेशन बिटवीन एक्सटेंसिव एंड सिलेक्टिव स्टडी। आपको नेट, यूजीसी वगैरह की या सेट स्टेट में हो रहा है उसके लिए भी आप तैयारी करते, तो आपका कॉमर्स का पार्ट बहुत बड़ा होता है। आप उसमें देखें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, इनकम टैक्स भी होता है, कास्ट अकाउंट भी होती है, और इसके अलावा फाइनेंशियल आपके इनकम टैक्स भी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है, सारे सब्जेक्ट तो आप चुके हैं। तो इस प्रकार से आप आगे चलते जाएंगे तो आप देखेंगे जो भी आपके टॉपिक हैं, आपने उन सारे टॉपिक्स को कहीं ना कहीं ट्वेल्थ से लेके बीकॉम तक अध्ययन किया हुआ है। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि हम आपसे कुछ डिस्कस करें, क्योंकि हमारे लिए अब 7-8 मिनट का समय बाकी है और चूंकि यहाँ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसमें एक साथ संवाद नहीं हो पाता, अब हम आपका जो 7-8 मिनट का समय है उसमें आपसे कुछ संवाद करना चाहेंगे, उससे कुछ बात करना चाहेंगे। आप भी यदि वर्चुअल क्लास के बारे में और अपनी क्लास और प्रभावी बनाने के बारे में, क्योंकि आप वरिष्ठ छात्र हैं, कोई सुझाव दे सकते हो तो वेलकम। अब हम आपसे बात करेंगे, आपकी सुनेंगे, वेलकम, बताइए। यस श्योपुर, काफी भरा हुआ है गर्ल्स कॉलेज, बताइए आपके यहाँ सेकंड सेम में और कौन कौन से पेपर हैं, प्लीज बताइएगा। होशंगाबाद से बात कर रहा हूँ, प्लीज होशंगाबाद से आवाज अगर पहुंच रही हो मेरी, हाथ ऊपर करिए, आवाज आ रही है ना? हमीदिया भोपाल, जी सर, हमीदिया भोपाल सर, हाँ वेलकम, बताइए कौन कौन से पेपर हैं बरकतुल्ला में। सर इस बार सर द्वितीय सेमेस्टर में सर संगठनात्मक व्यवहार, कार्पोरेट फ्रेमवर्क और सर उच्च स्तरीय सांख्यिकीय सर और क्रियात्मक संगठन। अच्छा, एक आपसे एक प्रश्न था सर, एक क्रियात्मक संगठन किसे कहते हैं, क्रियात्मक संगठन क्या होता है या किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल पार्ट है जो आपको बताया, जी सर। क्रियात्मक संगठन, संगठन का एक प्रैक्टिकल सिद्धांत होते हैं, उनको कैसे अप्लाई करें
इसका अध्ययन जहाँ किया जाता है वो क्रियात्मक संगठन होता है, ठीक है जी सर। अब आप बताइए कि अभी अपन ने संगठन के महत्व के पॉइंट बताइए, संगठन के पॉइंट जो संगठन का इम्पोर्टेंस था उसके क्या इम्पोर्टेंस के पॉइंट हमने बताए आपको, एक आध पॉइंट को डिस्कस करिए। हमीदिया वेलकम। जो संगठनात्मक व्यवहार के जो तत्व है वो सर एक तो लो है, तकनीकी है, और सर इसमें पर्यावरण के बारे में मतलब आपने बताया इसके तत्व जो होते हैं। नहीं आप लिसन पहले मेरा टॉपिक समझिए, मैंने आपसे क्या पूछा, संगठन की विशेषताएं पूछी मैंने आपसे, संगठन की विशेषताएं, मैंने आपसे संगठनात्मक व्यवहार की विशेषताएं नहीं पूछी। यस अभी बताया था आपको संगठनात्मक व्यवहार बाद में आएंगे, वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, अभी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, संगठन की बात कर रहे थे, संगठन की जो विशेषताएं हैं वो संगठन की विशेषताएं आप बतलाइएगा कि संगठन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, या ये बताइएगा कि अभी अपन ने किन किन चीजों को देखा आप बताइएगा प्लीज, कौन बता सकता है, कहां से बता सकते हैं बताइए। तो वर्चुअल क्लास का जो उद्देश्य है आपके पास आपके साथ बैठे बात हो पाए अच्छे तरह से, और आपको एक प्रकार से अभिव्यक्ति, पहले तो मैं यही आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारे बच्चे जब पूछा जाए जहां से वो बोलें, क्योंकि बोलना भी अपने आप में एक क्वालिफिकेशन है, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, आपको भी आगे कोई जो प्रोफेसर बनेंगे बच्चों के साथ बात करनी है, संवाद स्थापित करना है, किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो संवाद स्थापित करना है, प्रशासकीय अधिकारी बनेंगे तो अपने सबॉर्डिनेट्स को संबोधित करना है, जनता को संबोधित करना है, तो ये सारी चीजें मैं इसीलिए आमंत्रित करता हूँ आपसे कि अपने आप को व्यक्त करिए, प्लीज एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप बैठ जाइए अमीदिया प्लीज, मैं होशंगाबाद से बात कर रहा हूँ, हमारी ये गर्ल्स बच्चियां बैठी हुई, बताइए यस बात करिए प्लीज, कौन कौन से पेपर्स हैं एम कॉम सेकेंड सेम में, होशंगाबाद प्लीज, आवाज आ रही है तो बात करिए, यस प्लीज, नहीं तो श्योपुर बताए, जीवाजी यूनिवर्सिटी का है, श्योपुर बताए, बताइए जीवाजी यूनिवर्सिटी में कौन से पेपर्स हैं एम कॉम सेकेंड सेम में, अगले पेपर्स की तैयारी करनी है तो आपसे बात करनी पड़ेगी ना, श्योपुर क्या इंदौर से बात हो सकती है, जीजा भाई से आवाज आ रही है, यस प्लीज बताइए इंदौर में कौन कौन से पेपर से एम कॉम सेकेंड सेम में, नहीं बताएंगे, अच्छा ऐसे आप ये बताइए कि वो मैं यहां से देख पा रहा हूं जहां तक है 5-7 कॉलेजेस को, ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है यहां पर, आप बताइए पीजी करने के बाद एजुकेशन में टीचिंग लाइन में कौन कौन जाना चाहता है कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए, जरा हाथ ऊपर करिए, अदरवाइज तो पीजी करने का कोई बहुत मीनिंग नहीं रह जाता है, तो वही सबसे ज्यादा खुलते हैं हमारे करियर के, बताइए प्लीज, कहां बात हो सकती है, कौन व्यक्त कर सकता है अपने, छिंदवाड़ा बात करेगा, छिंदवाड़ा में बताइए ऑटोनोमस कॉलेज का छिंदवाड़ा, पीजी छिंदवाड़ा कौन कौन से पेपर से एम कॉम सेकंड सेम में प्लीज बताइए, छिंदवाड़ा से बात हो रही है, यस प्लीज बताइए, नीमच नीमच बात कर सकता है, करिए ना बात, आप करिए, आपके लिए ये बहुत एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप बात करेंगे पूरा प्रदेश आपको देखेगा, यस प्लीज बताइए, यस
हाँ बताइए होशंगाबाद बात आए, इतना देर क्यों लगाते हैं सोचने में, जल्दी बताइए। यस प्लीज, पहले नाम बताइए। हाँ बात करें सोनम जायसवाल माइक, बता दिया ना माइक बता। सोनम जायसवाल बता दिया, सामने रखिए माइक, सामने रखिए, अभिव्यक्त करना भी अपने आप को बड़ी बात है ना। यस सामने रखिए माइक, मुंह के पास बिल्कुल। आइए सर, माय नेम इज सोनम जायसवाल। वेरी गुड सर, एम कॉम सेकेंड सेम में 4 सब्जेक्ट है सर, सांख्यिकी विश्लेषण, कार्यात्मक प्रबंध, संगठनात्मक व्यवहार, निगमित नियमन रूपरेखा। अच्छा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कौन सी है आखिरी पेपर आपने कौन सा बताया, चौथा नियमन रूपरेखा। अच्छा ठीक है, तो आप इन चारों सब्जेक्ट में से कौन कौन से सब्जेक्ट तैयार हुए हैं, इंटरेस्टिंग कौन सा सब्जेक्ट है? संगठनात्मक व्यवहार बताया आपने? नो सर, बताइए प्लीज। संगठनात्मक जी, संगठनात्मक व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, और सांख्यिकी भी है ना? है सर। सांख्यिकी में क्या क्या है, पढ़ा आपने? स्टेटिक्स में। आप प्लीज एक चीज हमारा सजेशन नोट कर लीजिए, पीजी के स्टूडेंट हैं, आप सिलेबस सामने रखिए चारों पेपर्स का, और एक एक टॉपिक को अच्छे से निपटाइए, सिक्योर अच्छे मार्क्स करिए, बहुत सारी बच्चियों की फर्स्ट क्लास होगी, बी कॉम में, एम कॉम में भी फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, तो आप कॉलेज के लिए लेक्चरशिप वगैरह के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसीलिए सब्जेक्ट को तैयार रखिए, पाठ्यक्रम को जानिए, बुक से पढ़िए, 20 वगैरह या गाइड से आप मत पढ़ा करिए, ये हमारा आपको सजेशन है। प्लीज अगले पेपर में, अगली पीरियड में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।